आत्महत्याकांड में एक नया मोड़ फिर आ गया। महाराज को ब्लैकमेल करने वाली लड़की और सेवादार विनायक के अंतरंग स्थिति के फोटो सामने के आने के बाद पुलिस भी चौंक गई है, क्योंकि विनायक अभी तक उस लड़की को अपनी बहन और महाराज की बेटी जैसी बताकर बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने लाखों रुपए के बिल भी बरामद किए हैं। सामान भैयू महाराज को धमका कर खरीदा गया था। सोमवार को हुई पूछताछ के बाद सेवादार विनायक दुधाले और ब्लैकमेलिंग में शामिल लड़की की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। रविवार को लड़की ने पूछताछ के दौरान यह कहा कि वह महाराज की बेटी कुहू की केयरटेकर थी, महाराज उसे बेटी मानते थे। उनके परिजन को दोनों की नज़दीकी पसंद नहीं आई और अवैध संबंधों का आरोप लगाना शुरू कर दिया। विनायक ने यह कहा कि लड़की सच बोल रही है, वह महाराज को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, वह तो बहन के समान है। सोमवार को पुलिस ने लड़की और विनायक का झूठ पकड़ लिया। पुलिस को ऐसे फोटो मिले जिनमें लड़की विनायक के साथ आपत्तिजनक हालत में है। विनायक के मोबाइल में भूरू, कुकू और बहुत सारा के नाम से नंबर सेव हैं। महाराज उसे प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते थे। महाराज और लड़की के बीच हुई आपत्तिजनक चैटिंग भी मोबाइल में मिली है। पुलिस ने सूट, ज्वेलरी, लहंगा, मोबाइल और फ्लाइट के लाखों रुपए के बिल भी इकट्ठा किए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जांच में शामिल अफसरों का दावा है कि लड़की ने महाराज पर दबाव बनाकर कीमती सामान खरीदा था। लड़की और महाराज के साथ गुजरात भी गया था कॉन्ट्रैक्टर मनमीत। इसी बीच महाराज के जरिए करोड़ों रुपए की विवादित जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल कॉन्ट्रैक्टर मनमीत अरोड़ा भी टूट गया। 6 महीने से वह पुलिस को गुमराह कर रहा था। रविवार को कड़ी पूछताछ के दौरान उसने स्वीकारा कि महाराज और लड़की के बीच संबंध थे। 13 मई को लड़की को लेकर महाराज के पास गुजरात भी गया था। अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के लिए भी अपनी हाँ भर दी है।